बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो. और जैसे कि मैं आपको बता रही थी, जब आप हिम्मत की बात करते हैं तो तकलीफ किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में फिज़िकली बहुत सारी ऐसी तकलीफ आती हैं जिनका सामना करना मुश्किल होता है. और आज मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारे इस सेगमेंट में एक ऐसी खातून से जिन्होंने अपनी बीमारी का सामना इतनी ज़्यादा बहादुरी से किया है, हिम्मत नहीं हारी, अपना पैशन, अपना काम करना नहीं छोड़ा. मेरे साथ मौजूद हैं सफिया सुहेल, जो कि हैं एक क्रॉस स्टिच आर्टिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा एहसान है मालिक का. बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. मैं जितना शुक्रिया आपका अदा करूं आने के लिए वो कम है. और ना सिर्फ आप एक क्रॉस स्टिच आर्टिस्ट हैं बल्कि आप टीचर भी रह चुकी हैं एक स्कूल में. अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो खूबसूरत काम आप करती हैं, जिसमें की चेन्स भी हैं, जिसमें फ्रिज मैगनेट्स भी हैं, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, इससे हम थोड़ा सा पहले चलते हैं जी. इससे हम थोड़ा सा पहले तब चलते हैं जब आपको पता था कि आप सेहतमंद हैं. वहाँ से लेके अब तक का सफ़र आपका कैसा गुजरा है, क्या क्या हुआ है? बेटा एक बात कहूँ, सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, पर जो आप शिकवाएं अपने आप से हैं कि उन नेमतों को जांच ही नहीं पाए जो उस रब ने मुझे दी थी. सबसे बढ़कर इतने अच्छे माँ बाप दिए जिन्होंने हर तरह से अच्छे तरीके से अपब्रिंगिंग की. मतलब उस दौर के लिहाज से आप देखो, मैंने अपना मैट्रिक का जो था वो 1975 में मैं पास किया एग्ज़ाम. अम्मी ने मुझे कॉलेज में जाने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया कि तुम जितना पढ़ना चाहोगी प्राइवेटली पढ़ो, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू. ठीक है, नॉट ओनली फाइनेंशली, शी फिजिकली वर्क्ड हार्ड फॉर मी. शी यूज्ड टू गो विद मी टू द बोर्ड ऑफिस, टू द यूनिवर्सिटी, एंड एट दैट टाइम वहाँ पर नहीं होता था कन्वेंस का इतना आसानियाँ, लेकिन वो वॉक करती थी, थक जाती थी, हाँप जाती थी, लेकिन कहती थी नहीं चलो. अच्छा मैम जी, आपने ये इतनी मुश्किलात देखी हैं, फिर जब आपकी ज़िंदगी में ये बीमारी वाली मुश्किल आई, ये तो शादी के भी बहुत बाद आई है, इसके बारे में बताइए कि ये आपको कैसे पता चला, क्या हुआ? बेटा एक बात कहूँ, जब ये डायग्नोस हुआ ना, उससे कोई 8 साल पहले मुझे तकलीफ होती थी. ठीक है, लेकिन उस वक्त मेरे पास टाइम अपने लिए नहीं था. सही, मैं इतनी नाशुक्री थी, कभी तकलीफ होती थी फैमिली डॉक्टर के पास जाती थी ना, वो टेस्ट लिख के देते थे, और वो जब टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव आते थे तो मैं कहती थी अल्लाह मियाँ देखें कैसे हैं ये, इतने पैसे मेरे ज़ाया करवा दिए, अगर यही पैसे होते तो मुझे कितने काम आते. वो तो जब ये कैंसर डायग्नोस हुआ और मेरी बायोप्सी रिपोर्ट्स तक सही नहीं आती थी, तब मैंने कहा बंदी कितनी ना शोरा पना किया. वो वक्त तो मकाम शुक्र था ये कहने का, अल्लाह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस शुक्र है अल्लाह का एहसास हो गया अब मुझे, और मैं उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती हूँ दिन रात, अल्लाह से माफ़ी मांगती रहती हूँ. और आपकी जो बहादुरी है, आपके बारे में हमें ये भी पता है कि आपको जब आपका ऑर्डर आया था तो उसके दो दिन के बाद आपकी सर्जरी थी. सेकंड सर्जरी थी आपकी. तो क्या आपने क्या किया, ऑर्डर पहले मना कर दिया, कंप्लीट किया? आई नेवर रिफ्यूज, बिल्कुल मैं कभी भी नहीं करती, क्योंकि ये फिर एक नाशुक्री होगी, अल्लाह आपको रिस्क दे रहा है और आप मना कर रहे हो. अच्छा बीमारी में भी मैं आपको बताऊं कि जब मतलब मैं डॉक्टर्स के कहने से पहले समझ गई थी, मेरी फैमिली वाले नहीं समझे थे या समझना ही नहीं चाह रहे थे. बिल्कुल ऐसा वो इस बात, हाँ मतलब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आप समझना नहीं चाहते, लेकिन मैं समझ गई थी मुझे कैंसर है और वो इस लास्ट स्टेज पे है. तो डॉक्टर ने उनसे कहा शी इज़ ओनली 3 वीक्स. मैंने यूं कहा अपने आप से 3 वीक्स भी है ना, और फिर वो जो प्रोसेस थे, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ मैं साइंस स्टूडेंट नहीं थी, मुझे कोई मेडिकल की इतनी पता नहीं था,
लेकिन अल्लाह से 100 बार माफ़ी मांग के कहती हूँ, अल्लाह पाक किसी को पता भी ना चले क्या होते हैं वो टेस्ट, किस तरह होते हैं वो, कितने तकलीफ दे होते हैं। अच्छा, फर्स्ट सर्जरी मेरी बहुत अच्छे से, यानी 29th को मुझे तकलीफ़ शुरू हुई, 29 दिसंबर को, 12 जनवरी को मेरी सर्जरी हो भी गई। तो इतना क्विक चला फ्रॉम वन डॉक्टर टू द अदर, यानी एक ही दिन में फैमिली डॉक्टर से मैं पहुंच गई वहाँ पर सर्जन के पास, और फैमिली वगैरह सब इंक्लूडेड थी। यस, जब एवरीबॉडी पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोसेस, हर एक ने अपनी मकदूर पर कोशिश की कि वो अपना पार्ट प्ले करे। तो मैम, आपने जो यहाँ पे हम सारा ये खूबसूरत काम देख रहे हैं आपका, आपने ज़िंदगी से हार नहीं मानी, इस हुनर को कायम रखने से आपने हार नहीं मानी, तो ये जो आप आज भी लेके आए हैं, क्या ये आप हमें बना के दिखाएंगी? Yes, I can. You can and you will and we will see. Inshallah, जनाब, यहाँ पे इतना खूबसूरत जो क्रॉस स्टिच काम आप देख रहे हैं मैम सोफिया से, आप इसमें बैंगल्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे टिश्यू बॉक्सेस भी हैं, इसके अलावा सम फ्रेम वर्क हैपनिंग देयर, की चेन्स कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, उर्दू में नाम है, इंग्लिश में नाम है, फ्रिज मैगनेट्स हैं, और आज मैं बहादुरी कहते हैं ना, आज क्या सीखें, तो आज क्या सीखें में बहादुरी नंबर वन आई थिंक आज का लेसन था, एंड नंबर टू जो है वो है क्रॉस स्टिच किस तरह कर सकते हैं आप। और अच्छा, ये एक बात आपसे कहूँ, ये जो क्रॉस स्टिच है ना, इंग्लिश में चीज़ें अच्छी लगती हैं, वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन इसको उर्दू में पता है चार सूती कहते थे। ओके, सही है, ठीक है। टीन एज में, मेरी यूथ में ना जी, मैं एक बात आपको बताऊं, इसको ना बहुत हल्का लेते थे मेरी अम्मी जो हैं वो। मैम सॉरी, आप इसको यहाँ थोड़ा सा साइड पे कर लेंगी ताकि हमारा कैमरा इसको कैप्चर कर पाए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हो सकता है। ओके, हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, ये धागे भी जिंदगी की तरह बड़े उलझते हैं, कभी कभार तो सुलझते ही नहीं है। फिर मैं शॉप पे बैठी सुलझा रही होती हूँ, कोई मिलने वाला आ जाता है तो कहते क्या हुआ, मैं कहती हूँ जैसे जिंदगी उलझी हुई थी ऐसे ये भी उलझ गए। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इस तरह रख लूँ, ठीक है। अब ये हाफ मेरा हुआ हुआ है, बट द थिंग इज दैट कि इसको कंप्लीट करने में ही ना, अब एक्चुअली अगर आपका कैमरा दिखा पाए ना, तो ये अगेन एक उर्दू नाम है जो कि काशिफ नाम है, काशिफ। अब मैं इसको इस कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ, इस कॉम्बिनेशन में बनाने का जो है ये है कि जेंट्स के लिए, अब लेडीज़ के लिए आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन पिंक में ले सकते हैं, लेकिन जेंट्स के लिए ना कुछ वो कॉम्बिनेशंस हमें यूज़ करने होते हैं जो उनको पसंद आए, ठीक है, और वो ना लगे कि वो ये तो बड़ा गर्लिश टाइप है, ठीक है। अब देखा आपने, ये उलझती है ज़िंदगी जो सुलझती नहीं है, और यही है हमारा क्या बात काम है? में भी क्या बात है। तो हम हार मानते हैं कभी? हार माननी नहीं है, हार माने इसका मतलब है यू डोंट बिलीव इन हिम, आप उसको मानते ही नहीं हैं जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल, बात सिर्फ इतनी है। आप जब कभी सोचती हैं, हिम्मत आ जाती है, और कभी कभी आप कहते, कभी एक ऐसा कोई लम्हा आता है इंसान की ज़िंदगी में वो कहता है कि नहीं बस अब और नहीं, तो अपने आप को आप रिवाइव करने के लिए क्या करती हैं? क्रॉस स्टिच करती हैं, अपनी थेरेपी के लिए क्या करती हैं, अल्लाह ताला को याद करती हैं, क्या करती हैं? एक बात कहूँ, इस स्टेज पर मैं जब सुबह, अगर जैसे कि अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है, उठ जाती हूँ, वैसे तो रात को सोते हुए जल्दी से सूर्य मुख सुन लेती हूँ, कहती हूँ पता नहीं है आंखें बंद करूँ तो दोबारा खुले कि नहीं खुले, लेकिन जैसे ही उठती हूँ ना बेटा, मेरे मोबाइल में पूरा कुरान डाउनलोड है, बहुत सारी दुआएं हैं, मैं सबसे पहले लाहौल की तस्बीह लगा देती हूँ, सही, और ज़ोर ज़ोर से खुद भी पढ़ती हूँ। उसके बाद मेरा जो रूटीन है, पूरा दिन ना मैं कुरान सुनती रहती हूँ, साथ साथ पढ़ती भी रहती हूँ, उसका नतीजा ये है कि अब मुझे बहुत कुछ ज़बानी याद हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि बस अब ऐसा हो कि जब मेरा आखिर वक्त हो ना, तो मैं खुद ब खुद कुरान पढ़ती हुई जाऊँ। तकलीफ़ तो होगी,
तकलीफ तो होगी, कैसे नहीं होगी जब हम इतने गुनाहगार हैं। जब बीवी मरियम जैसी पाकीज़ा औरत ने तकलीफ उठाई, सारी अजीम हस्तियों ने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, तो क्या हमें नहीं होगी? होगी। लेकिन कलमे की मौत आई, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इंशाअल्लाह मुझे अपने रब पर है। मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह मियाँ, मैं जैसे सुबह शाम 6 कलमे पढ़ती हूँ ना, मुझे उस वक्त भी इतनी मोहलत देना मैं 6 के 6 कलमे पढ़ूँ, क्योंकि उसके बाद है ना मुझ पर कब्र का अजाब नहीं आएगा। मुझे अजाब कब्र से बहुत डर लगता है। आप इतनी बहादुर हैं, आप जब ये सब सोचती हैं, अपनी आखिरत की जो तैयारी होती है वो कर रही होती हैं, उसके साथ साथ जब आप क्रॉस स्टिच करती हैं, आपको तवज्जो यहाँ इस पे जब आप लगाती हैं अपनी, तो दिमाग थोड़ा सा इस तरफ आता है, थोड़ा सा दुनियावी चीज़ों में लग के थोड़ा सा अच्छा महसूस करती हैं, ये आपके लिए क्या दुनियावी है? दुनियावी चीज़ों में पता है मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या? जब मेरी शॉप पे बच्चे आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे की शॉप पे इनकी ये सारी चीज़ें मिल भी जाती है। और अगर आप हमें बताना चाहें कि आपकी जो दुकान है वो कहाँ पर है, कहाँ पर आकर ये क्रॉस स्टिच की चीज़ें आपसे खरीदी जा सकती हैं? मेरा ना बेटा ये ओल्ड सिटी एरिया में एमेजिना रोड, जहाँ पर गुल प्लाजा है। गुल प्लाजा इज अ वेरी वेल नोन प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गुल प्लाजा इज ऑन मेन एमेजिना रोड, बट माई शॉप इज इन सेंट्रल प्लाजा विच इज एट द बैक ऑफ गुल प्लाजा। ओके, एंड आपकी शॉप का नाम क्या है? नाम तो कुछ नहीं है एक्चुअली। उस प्लाजा में ना नंबर से सब एक दूसरे को पहचानते हैं। ठीक है। जैसे मेरी शॉप का नंबर है G109। G109। जी, G109। और अगर कोई भी आता है ना, बस इतना कहना काफ़ी होता है, पूछो आंटी हैंडमेड का काम करती ना, सारे शॉपकीपर्स कहते हैं आगे जाए आगे जाए, लेफ्ट पर आपको नजर आ जाएगी। क्या बात, मैं बैठी होती हूँ। नहीं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्योंकि इतनी अच्छी हैं, और यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास ब्रेक का टाइम है, इतनी सारी खूबसूरत मेरे पास इस वक्त क्रॉस स्टिच की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, मैं देख कर इंजॉय कर रही हूँ। जब हम लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो सफिया आंटी कह सकती हूँ मैं आपको? सफिया आंटी यहाँ पे क्रॉस स्टिच, जग आंटी हूँ। सफिया आंटी जो है वो यहाँ पर किचन को कंप्लीट कर रही हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे, कुछ मजीद बातें करेंगे इनसे जिंदगी के बारे में, क्रॉस स्टिच के बारे में। जल्दी से वापस आ जाइए। तो आज क्या सीखे कहूँ मैं इस सेगमेंट को, या फिर जो है वो मैं कहूँ काम की बात, आई थिंक ये हमारी काम की बात भी है। जिंदगी के बारे में हमारी जो मैडम सफिया सुहेल हैं उनसे मैं सीख रही हूँ, हिम्मत कैसे नहीं हारनी है, खुश कैसे रहना है, अपने आप का जो हुनर है उसको बरकरार किस तरह से रखना है। हम ब्रेक में कह रहे थे कि मैम आप बहुत अच्छी जो है आई एम श्योर टीचर रही होंगी, और काश हमने भी आपसे पढ़ा होता, लेकिन ये हमारे पास, मेरे पास और आपके पास मौका है इनसे पढ़ने का हमारे सेगमेंट के ज़रिए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी किचन कंप्लीट होने वाली है, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज इट्स ओके। मकसद हमारा ये दिखाना है कि जिस तरह से आप यू नो फुर्ती से इसको बना रही हैं, ये सारी की सारी जो क्रॉस स्टिच की किचन्स हैं इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। और अच्छा, ये जब आप करती हैं तो पहली बार आपने क्रॉस स्टिच कब बनाना सीखा था, कब किया था? ये मैं कहना चाहती थी, बताइए। पता है शादी से पहले ना मैं गुलामान अब्बास में पढ़ाती थी, देयर आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। तो अम्मी मुझसे ना खुश नहीं थी, वो कहती थी तुम्हें सिर्फ पढ़ना पढ़ाना आता है। मेरी और बहनें बहुत टैलेंटेड थीं, ऐसे मज़े के काम करती थी, कढ़ाई सिलाई क्रेशे का, और मैं कुछ नहीं करती थी, मतलब कुछ नहीं करती थी, एक एक दफ़ा करती थी, अम्मी मैंने सीख लिया, और उसके बाद ना मैं यही बहाना करती थी मुझे ये पढ़ना है मुझे वो पढ़ना है। तो अम्मी कहती थी मेरी फूवड़ बेटी है ये। तो एक दिन वो लंच टाइम में हम बैठे थे, वन ऑफ माई कोलीग शी वॉज डूइंग दिस वर्क ना, पता नहीं अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे दिल से लगा या शायद वही बात है माँ की कदर नहीं थी। तो मैंने उसे कहा अरे तुम तो बड़ी सलीका शोहर हो, मेरी अम्मी तुमसे मिलकर ना बहुत खुश होंगी, मैं तो बहुत पुअर हूँ। अरे मैं कहती हूँ कितना अच्छा दौर था, मैं कितनी लकी हूँ, इतने अच्छे लोग थे जो जेलिस नहीं होते थे, वरना आज का दौर हो तो कहो हाँ और क्या, मैं तो इतना कर, तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हें नहीं आएगा बनाना। उसने कहा क्या मतलब, रखो अपना पेन, कॉपीज बाद में भी चेक होंगी, पकड़ो ये नीडल बनाना, मैं बोलती चाहती हूँ बनाओ। अच्छा उसने कहा ना, तो पता नहीं क्यों मेरा भी दिल चाहा, मैंने बनाया और मुझे मज़ा आया, फर्स्ट टाइम मज़ा आया।
तो मैंने कहा ठीक है तुम मुझे सामान ला देना, मैं भी बनाऊंगी, अम्मी को सरप्राइज दूंगी। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं सरप्राइज की, अम्मी के साथ जाना और सामान फलां फलां जगह से ले लेना। मैंने अम्मी से कहा, उनकी तो मानो दिल की कली खिल गई, वो मुझे फौरन लेकर गई और मुझसे कहा थोड़ा सा बनाओ। कुदरत की बात है कि कुछ ही वक्त बाद ना रिश्ता तय हो गया। अब अम्मी ने फिर वही कंपल्शन वाली बात डाल दी, चादर का सेट भी बनाओ, ये भी बनाओ, वो बनाओ। बनाया, सब बनाया। विद इन 15 डेज उन्होंने मुझसे पूरा बेडशीट कवर बनाया, डबल बेड का बहुत सारे पीसेज में। लेकिन उसके बाद शादी के बाद बहुत ज़्यादा मसाइल होते, और जब आपके सास ससुर भी ना हो जो आपको शेल्टर दें, बिल्कुल, अब आप अकेले हैं, आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और उस वक्त आपकी जो एक ही होती है ना नियत कि बस घर बसा रहे, घर बसा रहे, बिल्कुल। उस चक्कर में मैं उलझी रही, टाइम नहीं मिला। फिर कुछ इश्यूज आए ऐसे जिस पर मुझे ना दोबारा से घर से निकलना पड़ा, और मैं करते कराते BVS पारसी हाई स्कूल पहुंच गई, वहां जॉब कर ली। लेकिन वही बात है कि गुलामान अब्बास ने मुझे एक चीज़ सिखाई, प्लानिंग ऑफ योर लाइफ। तब इतनी अच्छी मैनेजमेंट थी, वो बेटी कहते थे हमें, प्रिंसिपल भी, मैनेजिंग ट्रस्टी भी, और वो कहते थे कि देखो ये काम है ना दिल से करो तब अच्छा होगा। अम्मी कहती थी घर के काम दिल से करो, वो कहते थे प्रोफेशनली दे। हकीकत है, सही हकीकत है, जब आप दिल से कुछ करते हैं ना उसके रिजल्ट से कुछ लगा। तो सफिया आंटी, ये तो मुझे आपका टेम्परामेंट भी लग रहा है कि आपने ये, आप ये बना रही हैं दिल से, बना रही हैं आप जो अपनी कहानी सुना रही हैं दिल से, तो आप हर चीज़ दिल से करती हैं। हाँ, कभी मेरे पास बहुत है। बहुत है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कहें नहीं दिल नहीं चाह रहा ये करने का? क्या कब क्या करती हैं जब आपका दिल नहीं चाहता कुछ करने को, छोड़ देती हैं? बेटा एक बात कहूँ, मैं चाहे शॉप हो या घर हो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। वाह वाह, मतलब कुछ भी करती रहती हूँ, लेकिन या तो मुझे ये होता है कमर में शदीद दर्द उठता है, और वो ये साइन होता है कि अब अगर मैंने रेस्ट नहीं किया ना तो मैं फिर दिनों तक जाऊंगी, या फिर मैं इतनी थक के चूर हो जाती हूँ कि मुझसे मजीद काम नहीं होता, तब मैं जाके अपने बेड पर लेट जाती हूँ। सही ये इस बीमारी के साथ आपने जैसे अभी कहा कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, हम कहते हैं ना हरकत में बरकत है, हम यहाँ पे सेहतमंद होते हैं, ज़िंदगी में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, मगर हम जो है वो कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, हमारे पास कुछ करने को नहीं है, या हम जो है वो हमें डिप्रेशन फील हो रही है। तो सफ़िया आंटी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी का जो तजर्बा है, अगर हम उसको जकड़ लें अपनी मुट्ठी में और उसमें हम 6 लाइन्स हों उसमें, तो वो क्या होंगी 6 लाइन्स? वो कौन सी ऐसी बातें होंगी जो आप कहेंगी कि ये मेरी ज़िंदगी का एसेंस है जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ? देखो मैं बेटा एक बात कहूँ मैं आपसे, हमें सबसे पहले तो शुक्रगुजार होना चाहिए इस बात का कि अल्लाह ने हमें इंसानी रूप में भेजा, बिल्कुल। दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदी में से भेजा, कुरान का तोहफा देकर भेजा। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है बातों का, मुझे कुरान का भी इल्म नहीं, लेकिन जितना मैंने जानने की कोशिश की उसमें एक ही बात समझी, कुरान वाकई हर मसले का हल है। मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता था, अब नहीं रहता, यानी एक मुद्दत हो गई मुझे टैबलेट लिए हुए, ऑल्दो इस वक्त भी मेरे बैग में है, टैबलेट सारी होती हैं, लेकिन मैं नहीं लेती। मुझे अगर किसी बात से अफसर्दगी होती है, होता है ना, बिल्कुल कुछ आपके आराम है। अब जैसे आजकल मुझे जलजला आया है, इतनी बेबसी है लोगों में, तो उस वक्त मैं सूरह ज़ुहा सुनती हूँ, कुरान की सूरह ज़ुहा अगर आप 7 मरतबा लगातार सुने ना, फर्स्ट टाइम से लेके 7th तक पहुँचते पहुँचते आप पुरसकून हो जाते हो। 15 डेज पहले मुझे बहुत शदीद दर्द उठा,
तब इतना दर्द था कि मैंने कहा अब हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, लेकिन हॉस्पिटल जाना मीन्स अनदर सर्जरी. एंड द डॉक्टर्स दे हैव टोल्ड मी अर्लियर कि अब ये सर्जरी में सर्वाइव नहीं कर सकती. तो मैंने फौरन अव्वल आखिर दरूद शरीफ के बाद या बासितु पढ़ा और दम कर दिया. लेटे लेटे बैठने की भी हिम्मत नहीं थी और मेरी आँख लग गई, आँख खुली पर दर्द गायब था अल्हम्दुलिल्लाह. क्या बात है. तो कहने की मतलब बात सिर्फ इतनी है कि हैं मसाइल के हल हैं बिल्कुल, लेकिन हम दुनियावी हल की तरफ जाते. मैं ये नहीं कहती कि हाँ कैंसर के हल के लिए भी आपको दुआ पढ़ लें, पढ़ो. मैं जब स्ट्रेचर पे मुझे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे, मेरा बेटा मेरा मोबाइल जो है वो मेरे कान के पास लगा के सूरे रहमान चला देता था. क्या बात है. मतलब वो आसानी होती थी ना. बिल्कुल बिल्कुल. शायद इसीलिए अल्लाह ने मुझे माफ़ करना शुरू कर दिया कि मैंने तकलीफ में भी उसे शिद्दत से याद करना शुरू कर दिया. बिल्कुल शुक्रिया. और सफ़िया आंटी ने दीन का दुनिया का जो बेहतरीन यहाँ पे एक बैलेंस बताया ना. अक्सर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं अच्छा भाई दुआ से जो है कोई भी मर्ज जो है सही हो जाएगा, और हम सिर्फ दुआ की जानिब जाते हैं या हम सिर्फ दवा की जानिब जाते हैं, लेकिन इन दोनों का मिलाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आज हमने इस बारे में बात भी की थी कि शुक्रगुजारी, जब सफ़िया आंटी इतनी तकालीफ के बावजूद शुक्रगुजारी का मुजाहरा कर रही हैं, तो फिर मैं आप हम सब की तकालीफ जो है ना वो इनके सामने बहुत ही कम हो जाती है. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपको अब मैं अपनी ऑडियंस को अल्लाह हाफिज़ करने के बाद क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? ठीक है जनाब. सो वेल प्लेजर फॉर मी. इतनी मोहब्बत नसीब वालों को मिलती है. आप हैं ही ऐसी. आई एम श्योर आपके आस पास जो भी है वो आपको मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और वेल टाइम है आपसे इजाज़त चाहने का, लेकिन इस मैसेज के साथ कि शुक्रगुजारी के बारे में आप जितनी बात करें कम है. हमने जो हमारी मेडिटेशन की थी वो भी उस पर थी. इसको कहते हैं अबंडेंस, के जब आप अपने रब का शुक्र अदा करते हैं बोल कर, इसको एक माइंडफुल प्रैक्टिस बनाकर, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं दुनिया के हिसाब से, दीन के हिसाब से, हर लिहाज से. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. हम सबको दुआ में याद रखिएगा. मिलेंगे एक नए दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.